अगली खबर आ रही है जबलपुर से, जहां छात्राओं ने कॉलेज का घेराव करते हुए तालाबंदी कर दी है। कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस बुलाई तो छात्राएं उनसे ही भिड़ गईं। पुलिस ने जब छात्रा को हटाने की कोशिश की तो साथियों ने कहा, आप हाथ ना लगाओ, महिला पुलिस बुलाओ। जबलपुर का होम साइंस कॉलेज मंगलवार को अखाड़ा बन गया। 100 से ज्यादा छात्राओं के फेल होने पर गुस्साए स्टूडेंट्स ने कॉलेज का घेराव करते हुए तालाबंदी कर दी। कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को बुलवाया तो छात्राएं उनसे भी उलझ गई। उन्होंने पुलिस से जमकर धक्का मुक्की की। NSUI की एक पदाधिकारी ने तो पुलिस का हाथ तक पकड़ लिया। पुलिस ने जब छात्रा को हटाने की कोशिश की तो सभी छात्रों ने हंगामा कर दिया। बोले, पहले महिला पुलिस बुलाओ, आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। इस दौरान कॉलेज परिसर में तोड़ फोड़ भी की गई। देखते ही देखते 4 थानों की पुलिस कॉलेज में पहुंच गई। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि सेकेंड ईयर में 100 से ज्यादा स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया गया तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ATK टीम में तो नंबर और कम हो गए। पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए मंगलवार को सैकड़ों स्टूडेंट कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल से मिलने की मांग करने लगे। हंगामा देखकर कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस बुला ली। पुलिस प्रिंसिपल कक्ष के बाहर खड़ी हुई तो स्टूडेंट्स भीतर घुसने के लिए पुलिस से उलझ गए। उनका कहना था कि उन लोगों को बिना किसी वजह के फेल किया जा रहा है। धरने पर बैठी छात्राओं की मांग है कि उन्हें दोबारा पेपर दिलवाया जाए। NSUI की राष्ट्रीय समन्वयक देविकी पटेल का कहना है कि महाविद्यालय में छात्राओं को लगातार फेल किया जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने प्रदर्शन किया था। इसके बाद फेल की गई 6 छात्राओं की कॉपियां खुली तो उनमें से 3 पास हो गई। आखिर गड़बड़ी किस ओर से हुई? आप छात्राओं को किस कारण से फेल कर रहे हैं? हमारे कॉलेज में 11 छात्राएं PG डिप्लोमा की हैं। उनका कोर्स पूरा नहीं किया और एग्जाम ले लिया गया। ATKT में तो छात्राओं के नंबर और कम हो गए। यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। थाना प्रभारी SPS बघेल ने बताया कि हमने छात्राओं और प्रिंसिपल दोनों की ही बातें सुनी है। दोनों को समझाइश भी दी गई है। कुछ छात्र छात्राओं ने कॉलेज में तोड़फोड़ की है, जिनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। बच्चे तो सभी पढ़ते होंगे, तो बार बार फिर भी फेल किया जा रहा है, तो हम लोग की मांगे गए हैं कि दोबारा हम लोग को पेपर देने दिया जाए। लोगों को फेल किया गया है? करीब 200 लोग हैं। अच्छा, वजह क्या है फेल करने की? जब पेपर अच्छा गया था, पेपर अच्छे गए थे, तो रिवीजन की मांग की आप लोग? रिवीजन में डाला भी है तो फिर बच्चों ने पेपर दिया है, उसमें भी बच्चों के मार्क्स कम कर दिए पहले से।